सुशासन की सरकार है, भ्रष्टाचारियों को बाहर है। अभी मैं माना पंचायत के माना गांव में मंदिर के पास हूँ। यह मंदिर से करीब 100 मीटर की दूरी पर सड़क पूरी तरह से टूट चुका है। अन्य लोगों को भी आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा मुझे स्थानीय लोगों ने बताया कि यह टूटे हुए लगभग कुछ दिन हो गए लेकिन अभी तक इसका मरम्मत नहीं किया गया। अगर बारिश होती है तो पूरी तरह से यह पानी से भर जाएगा और यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। जब हादसा हो जाएगा तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन? उन्होंने बताया कि यहाँ के मुखिया रिंकू साईं जी हैं लेकिन इसको अभी तक मरम्मत नहीं करवाए, लेकिन जब यहाँ हादसा हो जाएगा तो आकर आश्वासन देने लगेंगे, लेकिन इसका मरम्मत की कार्य अभी तक नहीं किया गया। आखिर कब तक ऐसा ही रहेगा? मैं वहाँ के मुखिया प्रत्याशी रिंकू साईं जी से हाथ जोड़ तथा अन्य नेतागण से मेरा निवेदन है कि यहाँ की लोगों की समस्या का समाधान कर दिया जाए और इस रोड को मरम्मत कर ठीक किया जाए तथा उन लोगों की समस्या का समाधान हो जाए और आने जाने में कठिनाइयाँ का सामना न करना पड़े। अगर यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे तो इसका मरम्मत जल्द से जल्द हो जाएगा और उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिन लोगों को आंखों से यह नहीं दिख रहा है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को कितना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो एवं लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इसका समस्या का निदान जल्द से जल्द हो जाए। मैं दिलीप कुशवाहा, आप देख रहे हैं परिवर्तन तक, बिहार का सच। जय हिंद, वंदे मातरम।